Hi guys, what's up? So first of all, thanks to all of you for replying to my Instagram story about beetroots yesterday. And today I'm going to try a roasted beetroot pesto. So for all of you who don't know what a pesto is, pesto is an Italian sauce which is eaten with pasta and it is originally made up of basil. But today I'm going to try a new version of it and try it with beetroots. I'm also going to show you the end product that I make is a paneer toasty, and I'm going to use this pesto as a spread on it. But you have no limitations. You can use this as a dip or a spread with your sandwiches, your rolls or frankies or anything. So let's begin. So roasted beetroot pesto banane ke liye hame chahiye hoga 3 beetroots, 1/2 cup walnuts, 1/2 cup olive oil, 2 tablespoons lemon juice, salt and pepper and 4-5 cloves of garlic. टोस्टी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, ग्रेटेड पनीर, सॉल्ट एंड पेपर फॉर सीजनिंग एंड आई एम यूजिंग ओरिगैनो एंड स्मोक्ड पैप्रिका फॉर द फ्लेवर्स. तो सबसे पहले हम अपने बीटरूट्स को ऐसे रोस्ट कर लेंगे नेकेड फ्लेम पे, जब तक कि आपको ऐसे ब्लैक स्पॉट्स नहीं दिखे. जस्ट मेक श्योर कि ये जले नहीं. इसको इवनली हर साइड पर रोस्ट कर लेंगे हम. और वॉलनट्स को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे विथ 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल. सो आर वॉलनट्स आर रोस्टेड एंड बीटरूट्स आर ऑल्सो डन. अब हम इसको ऐसे नाइफ से इसके जो ब्लैक स्किन्स है वो निकाल देंगे. और मैंने इस बीटरूट को थोड़ा सा कच्चा ही रखा है, बट इफ़ यू वॉन्ट आप इसको बॉइल करके फिर ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं. वैसे भी इट विल टेस्ट रियली नाइस. तो मैंने बीटरूट्स ऐसे काट लिए हैं, वॉलनट्स रेडी है. अब हम एक प्रोसेसर लेंगे, उसमें वॉलनट्स, बीटरूट, गार्लिक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे. मेक श्योर हम सारा ऑलिव ऑयल एक साथ नहीं डाल रहे हैं. वी विल गो ऑन एडिंग द ऑलिव ऑयल लिटिल बाय लिटिल एज वी गो ऑन प्रोसेसिंग इट. इज रेडी विद द इंग्रेडिएंट्स. मैंने ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस भी यहीं रखा है सो दैट आई कैन कीप ऑन एडिंग धीरे धीरे करके. पेस्टो इज डन एंड रेडी. आप इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या लेमन जूस डाल के, बट आई थिंक दिस कंसिस्टेंसी इज जस्ट परफेक्ट फॉर अ स्प्रेड और अ डिप. गोइंग टू ऐड पेपर एंड सॉल्ट, लेमन, गार्लिक वगैरह सब मैंने ब्लेंडर में ही मिक्स कर दिया था और मैं इसको मिक्स कर दूँगी. जस्ट मेक श्योर कि ब्लेंडर में इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा. यू हैव टू ब्लिट्ज इट फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स जब तक ये ऐसा स्मूथ पेस्ट नहीं हो जाता. सो फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट लाइक बीटरूट्स, प्लीज़ ट्रस्ट मी, यू गोना लव दिस पेस्टो रेसिपी. सो माय पेस्टो इज़ रेडी, माय टोस्ट इज़ डन. आई हैव सॉटेड द पनीर इन सम ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर, ऑरिगैनो एंड स्मोक्ड पैप्रिका. सो गाइज, यू जस्ट सॉ माय रोस्टेड बीटरूट पेस्टो हैज कम आउट रियली नाइस एंड थिक. The lemon tinge and the sweetness of beetroot are really complementing each other and it is tasting amazing. So please do try this recipe, take pictures and don't forget to tag me. Let me know in the comment section how did you like this recipe. Stay safe, stay home. Happy cooking.